वेलकम टू मुस्कान ब्यूटी। आज वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्टैंड पट्टी किस तरह से बनाई जाए और उसमें हम पुटली बटन किस तरह से लगाते हैं। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए, मैंने कटिंग कर ली है। आप कुर्ती की कटिंग करके रखिए। पीछे वाला हिस्सा है, ये आगे वाला हिस्सा है। पीछे वाले हिस्से में हम 1 इंच ज्यादा कपड़ा रखते। देखिए, मैंने 1 इंच ज्यादा रखा हुआ है और आपको अपने हिसाब से कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हम स्टैंड पट्टी के लिए देखिए क्या करेंगे। हमें 3 इंच की चौड़ाई चाहिए अपने नेक के लिए। पीछे हम हल्की सी गोलाई देंगे। और आगे वाले नेक में हम 3 इंच गोलाई देंगे। तो मैं पहले 3 इंच पे निशान लगा के इसको मैं राउंड शेप देती हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। अब देखिए, हमारा आगे का जो गला है 7 से 8 इंच होना चाहिए, क्योंकि हम जब स्टैंड पट्टी बंद गले में होती है तो हमारा जो सर है उसमें जाना चाहिए। इस वजह से हम 7 इंच इस तरह से तिरछा नापोगे तो 8 इंच तक मैं गले का एक और निशान लगा रही हूँ। और यहाँ से देखिए 1.5 इंच तक निशान करके मैं क्रॉस में निशान लगा रही हूँ। यानी जो हमारा गला है वो इस तरह से कट होगा। ये हम गोल राउंड और यहाँ से वी शेप में कट करेंगे। और नीचे हमें पोटली लगानी है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा 5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। और हल्का सा हमें यहाँ भी कट देना है। तो अभी हम इस राउंड की कटिंग करेंगे। तो हमारा जो पिछला हिस्सा है मैं उसको राउंड शेप में कट करके उसको जुदा कर लूंगी। देखिए, अब हमें यहाँ पे कटिंग करनी है तो मैं इसको काट दूंगी। राउंड शेप में काटने के बाद मैं यहां से वी शेप में कटिंग करूंगी। और यहां से देखिए थोड़ा सा हमें कट करना है। तो देखिए, हमारा नेक का कटिंग हो गया है। तो देखिए, इस तरह से हमारा नेक कटिंग हो चुका है। अभी हमें इसकी स्टिचिंग किस हिसाब से करनी है तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम स्टिचिंग करने से पहले हमें यहाँ पे जो पट्टी लगानी है और जिसमें हमें अपनी पोटली बटन रखने हैं, तो उसके लिए मैंने 2 पत्ती काट के तैयार कर ली है। देखिए, कॉन्ट्रास्ट में मैंने व्हाइट लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच और जितना हमारा लेंथ आएगा। और मैंने दूसरा कपड़ा काट के रखा है इसका ही, जिसकी चौड़ाई हम लेंगे 3.5 इंच। देखिए, एक हम 2.5 इंच का लेंगे, एक हम 3.5 इंच की पट्टी दोनों मैंने ली है। तो आइए अब हम इसको किस तरह से अटैच करते हैं, किस तरह से हमारी स्टैंड पट्टी बनेगी। अब हम अपने मशीन पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपने इस पट्टी पे अपने पोटली बटन को रख के अटैच करेंगे। और पोटली बटन आपको किस हिसाब से बनानी है इसकी शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। और हमें इस तरह से, देखिए इस तरह से हमें इसको स्टिचिंग कर लेना है। इस तरह से मैं पूरे में स्टिच कर लूंगी। तो देखिए, मैंने अपनी पोटलियों को इसके ऊपर स्टिच कर लिया है। अभी हम इस तरह से रख के और इसके ऊपर फिर एक सिलाई करेंगे। देखिए, यहाँ से हमें सिलाई दिख रही है, तो इसके ऊपर हम फिर से अपनी सिलाई कर लेंगे।
एक बराबर में आपको सिलाई करनी है। देखिए अब स्टिच करने के बाद हम इसको बीच में से कटिंग कर लेंगे। अब देखिए मैं इसको ओपन करूंगी तो ये हमारी पोटलिया लग के रेडी हो गई है। इसी को हमें अपनी कुर्ती में अटैच करना है। तो देखिए अब मैंने अपनी कुर्ती ली है और सबसे पहले हम अपनी व्हाइट पट्टी अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम पट्टी को इस तरह से नीचे रखते हुए हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। देखो इस तरह से इसको स्टिच करने के बाद हम इसको हमें इसे पलट के यूं पट्टी हमें स्टिच करनी है। देखिए इस तरह से हम पट्टी को बाहर की साइड हमें फोल्ड करके हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। देखिए हमने पट्टी को इस तरह से फोल्ड किया है। अभी यहाँ पे हम अपनी ये जो पोटली बटन है इस पट्टी को हमें अटैच करना है। तो इसको हम यहाँ से नीचे से हमें सिलाई कर लेनी है पूरे में। देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अभी इसको हम इस तरह से देखिए पीछे से हमें यहाँ लाना है। तो देखिए इसको हम ये हमारी पोटली बटन की डिजाइन है। तो ये पट्टी को हम थोड़ा सा यूं फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। देखिए इसको हल्का सा आपको सिलाई के साथ इस तरह से हमें रखते हुए आपको पूरे में स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमारी पट्टी हो जाएगी। देखिए मैंने पट्टी को मैंने यहाँ पे आपको कैसे करना है वो मैं दिखा रही हूँ। यहाँ हमारा जो प्लेकेट है वो अच्छे से बैठना चाहिए। देखिए देख रहे हो इस तरह से हमें ले जाना है। देखिए इसको इसके ऊपर हमें
यहीं तक लगाना है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो गले का निशान था वो बना हुआ है, तो यहाँ तक हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमारे यहाँ डिजाइन बनने के बाद अब हमें क्या करना है, स्टैंड पट्टी बनानी है। तो सबसे पहले हम अपने दोनों कंधे को ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों, हमारा जो तीरा है, जो शोल्डर है, उसको मैंने अटैच कर लिया है। अभी हमें इसकी स्टैंड पट्टी बनानी है, तो उसके लिए हमें उसका नाप लेना होगा। तो देखिए इस तरह से आप अपने दोनों पार्ट को इकट्ठा कर लीजिए और हमें इस तरह से नापना है अच्छी तरह से कि हमारा नाप कितना आ रहा है स्टैंड पट्टी के लिए, और वही हमें उस नाप की स्टैंड पट्टी बनानी है। तो मैं देखिए दोनों पट्टी को इस तरह से रखते हुए हमें मेजरमेंट करना है। देखिए 8 इंच यानी कि 8 इंच हमें स्टैंड पट्टी चाहिए डबल में फोल्ड में। तो हम चलिए इसकी स्टैंड पट्टी की कटिंग करते हैं। तो देखिए हमने ये पेस्टिंग पेपर लिया है, इस तरह से आप ले लीजिए। मैंने आपको राउंड शेप में किस तरह से बनाना है चाइनीज कॉलर उसका वीडियो मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। चले यहाँ पे फिर से मैं एक बार दिखा दे रही हूँ। देखिए 8 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। अभी यहाँ से आपको क्या करना है, हमें गोलाई देनी है। तो मैं देखिए पहले मैंने एक गोल शेप दे दिया है अपने। अभी इसको आपको यहाँ से 8 इंच मापना है, नापना है। कपड़ा आपका ये जो पेस्टिंग पेपर है एक नाप का रहना चाहिए। तो देखिए मैं 8 इंच मैंने ये मेजर पट्टी रखी है। अभी 8 इंच में यहाँ पे गोलाई में यहाँ पे मेरा 8 इंच आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे निशान करना है। यहाँ पे मैं आपको जितनी चौड़ाई रखनी है मैं 1.25 इंच तक की चौड़ाई रखूंगी, ज़्यादा नहीं। तो मैं सब जगह 1 इंच की कर देते हैं, 1 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ। और हमें इसको भी ऐसा करने के बाद हमें यहाँ पे गोलाई दे देनी है। देखिए हमारा स्टैंड पट्टी है, अभी हम इसको कट कर लेंगे। देखिए हमारी स्टैंड पट्टी कट के रेडी हो गई है, अभी हम इसको कपड़े में पेस्टिंग करेंगे। देखिए मैंने इसको अपने इस तरह से फैब्रिक पे चिपका दिया है और मैंने ऐसे 2 फैब्रिक लिए हुए हैं। ये हमारा जो ऊपर का हिस्सा है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो मैं सबसे पहले इसको देखिए मैंने इसको स्टिच किया है। अभी आप ऐसा दूसरा फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर हमें इसको रखना है इस तरह से, और फिर हमें यहाँ से इसकी सिलाई करनी है क्योंकि हम इसको पलटने वाले हैं। तो देखिए मैं एक बराबर में इस तरह से रखते हुए यहाँ से हमें ये जो हमने इस तरह से हमें यहाँ से स्टिचिंग करनी है।
देखिए हमने यहाँ से किनारे में स्टिच लगा के हमने कट कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, इसको देखिए हम इसको इस तरह से हम इसको पलटते हैं। इसके ऊपर आप अच्छे से अपना प्रेस पहले बिठा लीजिए, फिर हमें इसको अटैच करना है। देखिए मैंने इसको इस तरह से पलटा लिया है। अभी आपको स्टैंड पट्टी लगाने के लिए सबसे अच्छा आइडिया देखिए, पहले आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए ताकि हमें एक बराबर सिलाई करने का आपको अंदाजा आ सके जब हम इसको अटैच करेंगे। तो मैं पूरे में इस तरह से मैंने निशान मार देना है ताकि हमें अंदाजा आ जाए कि हमें किस तरह से करना है। अभी हम इसका मिडल पे भी निशान लगा लेंगे। देखिए इसका मिडल है, हम वहां भी निशान करेंगे। अभी चलिए हम उसको अपनी कुर्ती में अटैच करते हैं। तो देखिए अभी आप अपनी कुर्ती ले लीजिए, ये हमारा कुर्ती का सीधा पहलू है और ये हमारी स्टैंड पट्टी है। तो हमें स्टैंड पट्टी यहाँ से देखिए सीधे से हमें स्टिच करना है। तो कैसे करना है, मैं पहले इतना सा कपड़ा बाहर रखूंगी इसके अंदर मोड़ने के लिए और यहाँ से हमें पूरा स्टिचिंग करना है। एक बार फिर से देख लो, ये हमारा सीधा कपड़ा है और इसके ऊपर ही हमें इस तरह से पूरा राउंड नेक में इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। तो आइए हम स्टिच करते हैं। देखिए इस तरह से हमने जहाँ निशान लगाया था उसी पे हमारा मशीन चलेगा तो एक बराबर हमारी सिलाई आ जाएगी। और याद रखिए हमें कपड़ा एकदम खींच के नहीं रखना है, हमें बहुत हल्के हाथ से ही इसको रखते हुए पूरा राउंड में कंप्लीट करना है। देखिए हमने इस तरह से सिलाई कर ली है। देखिए ये है हमारी सिलाई, मैं आपको दिखा दूं, जहाँ हमने निशान मारा था वहां पे मैंने सिलाई कर ली है। अभी इसको हमें अंदर दबाते हुए इस पट्टी को देखिए इस तरह से अब हमें क्या करना है, किनारे किनारे हमें इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। देखिए तो पीछे भी हमारा एक नाप पे हमारा सिलाई कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पे अभी मैं अपना सिलाई कर लूंगी। देखिए एक बराबर हमारी सिलाई आ जाएगी। मैंने सबसे आसान तरीका भी सिखाया है किस तरह से बनाना है, उसका भी वीडियो आप देख सकते हो मेरी बिजनेस पे ने, वो सबसे आसान तरीका है। देखिए हमने स्टैंड पट्टी अपनी लगा के कंप्लीट कर लिया है। देखिए पीछे भी आप देख सकते हो ये हमारा स्टैंड पट्टी भी लग गया है। हमारा प्लेकेट वाला डिजाइन जो था पोटली बटन का वो भी हमने रेडी कर लिया है। तो बहुत ही आसान है बनाने का, आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो मैं इसको दिखाती हूँ इसका आखिरी लुक कैसा लगता है। तो देखिए ये हमारी कुर्ती बन के रेडी हो गई है। आपको प्लेकेट्स वाली और पोटली बटन लगाया हुआ है। देखिए स्टैंड पट्टी भी हमारी बनके रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपके वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।